राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है और इस एकादशी का फल 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी महात्म्य कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों का हरण करने वाली और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभीष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ का पूजन होता है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य शारंगधर भगवान विष्णु की शरण में जाता है वह निसंदेही यम यातनाओं से छूट जाता है। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाव के पुण्य फल के समान भी नहीं होता। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता और कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह नष्ट कर देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों को पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल और भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान करने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं और धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले होते हैं। इस एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। इस कथा के अनुसार विंध्य पर्वत पर महाक्रूर और अत्यधिक क्रोधी क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। जीवन के अंतिम समय में जब यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी तब दूतों ने ये बात जाकर क्रोधन को कही। दूतों ने जब ये बात क्रोधन को बताई तो मृत्यु के भय से डरकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक में ना जाना पड़े इसकी विनती करने लगा। उसकी याचना को देखकर अंगिरा ऋषि ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रीहरि का विधिवत पूजन करने की सलाह दी। इस एकादशी का विधिवत पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में विष्णु लोक को गया। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य के भागी होते हैं। तो ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। नमो नारायण।